सब्सक्राइब करें टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के आने से हमें पैसे को ट्रांसफ़र करने का बहुत ही आसान और फास्टेस्ट मीडियम मिल गया है। दोस्तों, इसके अलावा जो कई तरीके के UPI एप्लीकेशन है, चाहे वो भीम UPI हो या फिर गूगल पे हो या फिर पेटीएम हो या फिर फोनपे हो, तो तरह तरह के एप्लीकेशन भी मौजूद है जिनसे हम बहुत ही फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और पैसों का लेन देन बहुत ही तेज़ी से और आसानी से करते हैं। चाहे वो हमें नेफ्ट करना हो किसी को या फिर RTGS करना हो, IMPS करना हो, तो हमें किसी भी प्रकार का जो भी पैसा ट्रांसफ़र करना होता है बहुत ही आसानी से और फास्ट तरीके से हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक और हमें आसानी हुई है और सुगमता हुई है, वहीं अगर कोई छोटी छोटी गलती अगर हमसे हो जाती हैं तो इसका हमें बहुत ही ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को आप लोगों को बताने वाले हैं, आप लोगों का शेयर करने वाले हैं कि अगर गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है तो फिर उसके बाद फिर अपने पैसे को वापस मंगाने के लिए क्या किया जा सकता है या फिर क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं और वो हम पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ती हैं, जिसमें एक प्रमुख रूप से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र हो जाना है। तो जब भी हम कभी जल्दबाजी में किसी को पैसा जो है नेफ्ट RTGS या IMPS कर रहे होते हैं, तो जल्दबाजी में जिस बंदे को हमें पैसा भेजना है उसके अकाउंट नंबर की बजाय किसी दूसरे के अकाउंट नंबर टाइप रहता है, तो गलती से दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है, तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर किसी के दूसरे के अकाउंट में गलती से पैसा चला जाए तो फिर हम लोग क्या करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो है अपने बैंक को, जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक का जो ईमेल आईडी होता है, उस ईमेल आईडी पे आप लोग एक ईमेल सेंड करेंगे कि हम जो है दूसरे के किसी अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं और गलती से अकाउंट नंबर गलत टाइप हो जाने की वजह से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा चला गया। और इसके या फिर आप लोग बैंक के जो कस्टमर केयर नंबर होता है वहाँ से भी आप लोग कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। किसी भी बैंक का कस्टमर केयर नंबर को जानने के लिए आप लोग गूगल पे टाइप करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का बैंक का कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा। इसके बाद फिर आप लोग जिस भी बैंक में आप लोग का अकाउंट हो उस बैंक के ब्रांच मैनेजर से आप लोग को व्यक्तिगत तौर पर मिलना होगा और वहाँ पे आप लोग को एक एप्लीकेशन लिख के देना होगा जिसमें आप लोग जिस दिन पैसा भेज रहे हैं वो दिन, और इसके साथ ही आप लोग जिस टाइम पे पैसा भेज रहे थे वो टाइम, और इसके साथ ही अपना अकाउंट नंबर, और जिस बंदे को गलती से पैसा ट्रांसफ़र हो गया जिसके अकाउंट में, उस बंदे का जो है अकाउंट नंबर वहाँ पे उस एप्लीकेशन में आप लोग मेंशन जरूर करना है। इसके साथ ही जब आप लोग पैसा भेज रहे हो तो सक्सेसफुली हो जाता है, आपको पता चलता है कि गलती से पैसा दूसरे के अकाउंट में चला गया, तो उसी समय आप लोग उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में ले लीजिए। तो ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन के साथ ही आप लोग वो स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे जिससे ब्रांच मैनेजर को भरोसा हो जाएगा कि आपने किसी दूसरे को पैसा भेज रहे थे तो गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया। और जब आपके ब्रांच मैनेजर को पूरी तरीके से विश्वास हो जाएगा कि आपने सचमुच में किसी दूसरे को पैसा भेज रहे थे और गलती से किसी अदर पर्सन के अकाउंट में पैसा चला गया, तो फिर आपको वहां से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद फिर आप जिस बंदे के अकाउंट में पैसा गलती से भेज दिए हैं उस बैंक के ब्रांच मैनेजर से आप लोग वहाँ पे मिलने जाएंगे व्यक्तिगत तौर पे। इसके बाद फिर वहाँ पे भी आपको जो एप्लीकेशन अपने बैंक में सबमिट किए थे वही एप्लीकेशन और स्क्रीनशॉट आप लोग वहाँ पे उस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर को आप लोग दिखाएंगे। इसके बाद फिर ब्रांच मैनेजर जो है जिस बंदे के अकाउंट में आपने गलती से पैसा भेज दिया उस पर्सन को वहाँ पर बुलवाएगा, और अगर वो पर्सन चाहेगा तो आप लोग के अकाउंट में वो पैसा फिर से वापस कर देगा। दोस्तों, कभी कभी होता है कि जो पर्सन जिसके अकाउंट में हम लोग गलती से पैसा भेज देते हैं वो पर्सन जो है पैसा देने से मुकर जाता है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो इसके लिए आप लोग जो है अगर बैंक को पूरी तरीके से भरोसा दिला देते हैं कि आपने गलती से जो है पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, तो फिर वो बैंक जो है लीगल एक्शन भी उस बंदे के ऊपर ले सकता है। इसके अलावा आप भी जो है अपने नज़दीकी थाने पे FIR कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग कानूनी तौर पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए जो RBI का जो नियम बनाया गया है उसमें आप लोग उस पूरी तरीके से कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जब तक बैंक को पूरी तरीके से भरोसा न हो
जाए तो आप लोग कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने आप लोग को बताया कि सबसे पहले आप अपने बैंक ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे, इसके बाद वहाँ से सब कुछ क्लियर होने के बाद जिस बंदे के अकाउंट में पैसा गया उस बैंक के ब्रांच मैनेजर से आप लोग वहाँ पर मिलने जाएंगे, जिस भी शाखा में उसका अकाउंट हो वहाँ पर आप लोग दिखाएंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे, इसके साथ ही स्क्रीन शॉट दिखाएंगे। तो जब उसको पूरी तरीके से भरोसा हो जाएगा कि आपने सचमुच गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, इसके बाद फिर वो दूसरे उस बंदे को वहाँ पे बुलवाएगा और आप उसने बोलेगा कि जो पैसा जितना भी पैसा आपने गलती से सेंड कर दिया है वो आपको वापस दे दे। क्योंकि दोस्तों जो है बैंक भी किसी भी पर्सन का अकाउंट नंबर शेयर नहीं करती, ये रूल्स के खिलाफ है। तो जब तक बैंक को भरोसा नहीं होगा तब तक बैंक किसी भी पर्सन का अकाउंट से संबंधित सारी जानकारी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, ना ही उस पर्सन को दबाव प्रेशर डालेगा कि वो आपका पैसा वापस कर दे। दोस्तों अगर आपका लक सही है और आपने जल्दबाजी में गलती से अकाउंट नंबर टाइप कर दिया है और वो जो अकाउंट नंबर आपने अपने मोबाइल में टाइप किया है वो अगर आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, मतलब कि किसी का भी वो जो आपने अकाउंट नंबर टाइप किया है वो नंबर किसी का किसी भी पर्सन का पूरे इंडिया में नहीं होता है तो आप बच जाते हैं। लेकिन जब अगर वो जो अकाउंट नंबर आपने गलती से टाइप किया है वो अकाउंट नंबर किसी का भी हुआ तो उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है, उसके बाद फिर आप लोग वही कार्रवाई करेंगे जो मैंने आप लोग को अभी रिसेंटली बताया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है अपने जो पैसा है वो वापस पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप लोग कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो सबसे पहले आप लोग अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जो होता है आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर बहुत ही सही और चेक करने के बाद ही आप लोग वहां पे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड फिलअप करें। कोई भी जल्दबाजी ना करें क्योंकि छोटी सी गलती आपके ऊपर भारी पड़ती है। और अभी रिसेंटली में कई मामले ऐसे सामने आए जिनमें जो है बैंक किसी दूसरे के अकाउंट में कोई पर्सन पैसा ट्रांसफ़र कर रहा होता है लेकिन गलती से अकाउंट नंबर गलत टाइप होने की वजह से किसी दूसरे के अकाउंट में चला जा रहा था। तो इसमें बैंक भी ज़्यादा कुछ लीगल एक्शन नहीं ले सकती जब तक आप जो है सक्रिय नहीं होंगे। इसके लिए आपको बहुत ही भागदौड़ करनी पड़ती है, बैंक के ब्रांच मैनेजर से अपने बैंक के ब्रांच मैनेजर से मिलना पड़ता है, उसके बाद जिस बंदे के अकाउंट में पैसा गलती से चला गया उसके भी ब्रांच मैनेजर से मिलना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। तो इन सब भागदौड़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें कोई भी IMPS RTGS या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस समय जो है अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही और चेक करके ही भरें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना सही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों अपने सभी जानने वाले सभी फैमिली वालों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो मेरा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज टेक्नो बैंकिंग को फॉलो करिए और इसके साथ ही अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ ही आप लोग बेल बटन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।